मेरा नाम राजा दानिश तारिक है, बागी मेहताब के रहने वाले हैं। हमारी एक एंसेस्टर लैंड का प्लॉट है 29 कनाल 12 मरले रयार रिच दूधपथरी से पहले, जो हमारी फैमिली में 4 जनरेशन से है। काश्तकारी हम खुद करते हैं, फसल हम खुद उगाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से वहाँ पे एक लैंड माफिया है जो पनप रहा है और जिनने हमें कंटिन्यूसली तंग किया है। हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया काफी दफा, कोर्ट में केसेस हुए जिनके फैसले हमारे हक में आए। उन्होंने फिर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स इशू किए पुलिस के लिए, जो दोनों इम्प्लीमेंट हुए और कोर्ट ने इनके ये फेंसिंग हटा दी। बट ब्रेजन वॉयलेशन के तौर पे इन्होंने फिर से वो फेंसिंग की, हमें एक्सटर्नल चैनल से रीच करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की कि ये जमीन हमें बेच दो। उसके बाद कल फिर से इन्होंने एक और वॉयलेशन की कोर्ट के स्टेटस को की, जिसमें जाके इन्होंने एज पर स्टे ऑर्डर वॉयलेशन के इन्होंने क्या किया, जाके पिलर्स खड़े किए इरेक्ट आयरन के। और अब जब हम इंक्वायरी करने के लिए गए अपने जमीन पे, तो वहां पे इन्होंने एक ग्रुप ऑफ 10-12 लोगों ने मर्डर के इरादे से हम पे हमला किया विद वेपन्स। इनके पास रॉड्स थी, पत्थर थे, जो अभी पुलिस ने कन्फिस्केट किए हैं। बट शुक्र है कि वहां पे कुछ टूरिस्ट गाड़ियां थी जो रुकी, जिन्होंने इंटरवीन किया और हम बच पाए। ये हमें हमारी जमीन पे जाने नहीं देते, हमें धमकियां देते, हम तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे, तुम्हारे मकान जला देंगे। अथॉरिटीज टाइम एंड अगेन कुछ करती है, बट दे डू नॉट केयर फॉर इट। इफ द कोर्ट ऑर्डर्ड सम इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स फॉर अस टू इम्प्लीमेंटेशन बाय द SHO, विच वर इम्प्लीमेंटेड बाय द SHO खान साहब इन टाइम। बट व्हाट हैपेंस, द डे ही इम्प्लीमेंट्स इट, द नेक्स्ट डे इन द नाइट दीज कम एंड वायलेट दैट अगेन, एंड देन द डिपार्टमेंट डज नॉट हैज एनी अथॉरिटी to work on that because they already implemented the order. So they're using these loopholes to waste police's time, court's time and our time. Kal raat mein police ko reach out kiya, we went to the hospital, they have already registered an FIR against it, but we still feel threatened. Hum apni hi zameen pe nahi ja pa rahe. Kehte hain ki jo higher authorities hain J&K ki, लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे DC बटगाम या SSP, वो हमें हेल्प करेंगे। लैंड माफिया कैसे हमें प्रिवेंट कर रहा है हमारी जमीन को एक्सेस करने से, जो लीगली हमारी है 4 जनरेशन से। एंड देन अगर यही है, देन व्हाट डू वी हैव टू डू, डू वी स्टॉप लिविंग इन कश्मीर? हम अपने आप को मार डालें क्या, घरों में ताले लगा दें क्या, कुछ को हमारे बच्चों को लाइवलीहुड हमारा एग्रीकल्चर है, एंड दीज गाइज आर नॉट अलाउिंग अस टू डू दैट। 9 कनाल 12 मरले।